कलयुग में दिखा जटायु, कब्रिस्तान में मिला गिद्धराज, देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। रामायण काल में गिद्धराज जटायु की भूमिका से हर कोई परिचित है। सीता हरण के समय लंकापति रावण से टकराने का साहस करने वाला कोई और नहीं बल्कि गिद्धराज जटायु थे। धर्म ग्रंथों में जटायु को श्री राम की राह में शहीद होने वाला पहला सैनिक बताया जाता है। माता सीता की रक्षा के लिए जटायु का रावण को ललकारना, अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य से रावण पर प्रहार करना, ताकतवर रावण से मुकाबला करना, फिर मायावी रावण का जटायु के पंख पर प्रहार करना और अंत में जटायु का प्राण त्याग देना, इसी कारण इस कलयुग में गिद्धराज को पूजा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं देश भर में गिद्ध विलुप्त हो चुके हैं, या फिर यूं कहें कि इस धरा पर अब इनका नामो निशान मिटता सा जा रहा है। हिमालय की बर्फीली चोटियों में पाया जाने वाला गिद्ध अब आसानी से नजर नहीं आता है। लेकिन हाल ही में कानपुर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को हैरानी में डाल दिया। कानपुर की धरती से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसके बाद से लोगों के बीच कौतूहल का माहौल है। दशकों बाद लोगों को गिद्धराज के दर्शन हुए हैं। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो हिमालयन गिद्ध से जुड़ा है, जो हाल ही में कानपुर में पाया गया है। हिमालय की बर्फीली चोटियों में पाया जाने वाला सफेद गिद्ध कानपुर जैसे शहर में कैसे आया, फिलहाल इसकी जानकारी तो किसी को नहीं है, लेकिन अब ये दुर्लभ पक्षी वन विभाग की गिरफ्त में है। दरअसल कानपुर के कर्नलगंज के ईदगाह कब्रिस्तान में गिद्ध के दो जोड़े देखे गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक दो नहीं, करीब एक हफ्ते से गिद्धों का जोड़ा इस इलाके में था। ईदगाह में रहने वाले सफीक नाम के युवक ने पांच अन्य लोगों के साथ मिलकर बड़ी चादर तान कर गिद्ध को पकड़ा, जिसे देखने के लिए अब लोगों की भीड़ उमड़ रही है। फिलहाल दूसरी मादा गिद्ध की तलाश जारी है। माना जा रहा है कि अगर नर गिद्ध यहाँ है तो मादा गिद्ध भी शहर के आसपास ही होगी। दिखने में एकदम सफेद ये हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध है। इनकी प्रजाति अब विलुप्त होने की कगार पर है। हिमालय पर्वत में 13,000 फीट ऊपर बर्फ की चोटियों पर ये पाए जाते हैं, जो अब देखने को नहीं मिलते। वन विभाग अब मादा गिद्ध की तलाश में है और इस उम्मीद में है कि अगर जोड़ा मिल जाता है तो ब्रीडिंग करा पाए और इस विलुप्त होती प्रजाति को बचा सके। फिलहाल उड़ने में असमर्थ जिस गिद्ध को पकड़ा गया है उसे 15 दिन के लिए चिड़ियाघर के अस्पताल में क्वारंटीन किया गया है। डॉक्टरों की टीम दुर्लभ गिद्ध की निगरानी कर रही है। अभी कानपुर में ईदगाह के पास एक गिद्ध पकड़ा गया जो हिमालयन ग्रिफिन वल्चर कहते हैं इसको, और ये जब लाया गया था तो इसके पैर बंधे हुए थे, इसके पैर में थोड़ी सी चोट है। अभी चूंकि ये अस्वस्थ है तो इसको हम लोगों ने जो ट्रीटमेंट देना था वो दे दिया गया है। अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, क्वारंटाइन किया हुआ है, और जब ये स्वस्थ होगा तो इस पे निर्णय जो है PCCF वाइल्ड लाइफ स्तर से, शासन स्तर से इस पे लिया जाएगा कि इसको यहाँ रखा जाए कि इसको छोड़ा जाए। देश में गिद्ध विलुप्त श्रेणी में आ गए हैं और सरकार अब इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं भी चला रही हैं। ऐसे में इस गिद्ध का मिलना एक अच्छी बात है। गिद्ध जो है ये काफी हद तक हमारे देश में कम होते चले जा रहे हैं, ये उसी श्रेणी में आता है, संकटग्रस्त श्रेणी में हो रहा है, इसकी संख्या काफी कम होती जा रही है। और हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि जो ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, कि गिद्धों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाए, जिससे कि जो नेचुरल स्वीपिंग का जो काम करते थे नेचर के, ये एक्चुअली बेसिकली ये स्वीपर्स हैं जो जानवर मर जाते हैं उनके साफ करने का काम गिद्ध किया करते थे। अनफॉर्चुनेटली ये समय खत्म होते जा रहे हैं, इनकी संख्या बहुत कम हो रही है, तो इनको बचाना हम लोगों का विशेष उद्देश्य है। ये हिमालयन रीजन से लेकर के नीचे साउथ तक सभी जगह पाए जाते थे। बाकी ये जो प्रजाति हमारे पास ग्रिफन आई है ये हिंदुस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से लेकर के इधर कजाकिस्तान तक इधर सभी जगह ये पाई जाती है। सर, अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो एक दमसम, हाँ जी, इनकी जो लेंथ है वो लगभग 95 से 130 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और इनके जो फेदर्स होते हैं विंग्स की जो लंबाई होती है वो लगभग 270 से लेकर के 300 सेंटीमीटर के बीच में होती है। फीटों में अगर बात करें तो लगभग 5-7 फीट के आसपास इनकी लंबाई होती है। 5 फीट के लंबे लंबे पंख वाले ये हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध, जिनकी बुलंद उड़ान हवाई जहाज को भी मात दे दे, शेर हो या फिर चीते, विशालकाय जानवरों को खाने की अद्भुत क्षमता, कोई सरहद ना इन्हें रोक सकती है। और इस पृथ्वी का अद्भुत प्राणी आज विलुप्ति की कगार पर है, जिसके पीछे का मुख्य कारण इंसानी लालसा है। बहरहाल कानपुर जैसे शहर में हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध की मौजूदगी पर आप क्या कहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।